देवास कलेक्टर श्रीकांत पांडे बुधवार को अचानक जिला चिकित्सालय पहुंचे और सिविल सर्जन कक्ष में जाकर स्वास्थ्य विभाग तथा जिला चिकित्सालय से संबंधित सीएम हेल्पलाइन प्रसूति सहायता व जननी सुरक्षा योजना की लंबित शिकायतों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा की। बड़ी संख्या में सीएम हेल्पलाइन के अलावा प्रसूति सहायता व जननी सुरक्षा योजना में प्रसूता महिलाओं का भुगतान लंबित होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की तथा अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में पूरे जिले में लगभग 5000 शिकायतें लंबित हैं, इसमें से सबसे ज्यादा 1500 शिकायतें अकेली स्वास्थ्य विभाग व जिला चिकित्सालय से संबंधित है। नई शिकायतें प्राप्त होने व पुरानी शिकायतों के निराकरण नहीं होने से जिले में लंबित शिकायतों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इससे शासन की छवि धूमिल होती है। अगर किसी के क्लेम्स के लिए व्यक्ति को व्यक्ति से पैसे मांगे जाएं और लोकायुक्त की टीम उसे ट्रैप करें तो ये शासन प्रशासन के लिए बहुत ही दुखद और शर्मनाक स्थिति है। मैंने इसी आशय से जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है और CMHO सिविल सर्जन हमारे साथ हैं। मैंने उनसे कहा है कि जो CM हेल्पलाइन की शिकायतें हैं वो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लंबित हैं। इन शिकायतों के निराकरण के लिए लगातार हम इनको निर्देश दे रहे हैं। अब हमने इनको 10 जनवरी तक का समय दिया है। ये शिकायतें मुख्य रूप से इस आशय की हैं कि जननी सुरक्षा योजना है या प्रसूति सहायता योजना है उसके लाभ बहुत लंबे समय से हितग्राहियों को नहीं मिले हैं और इसकी वजह जो उन्होंने बताई कि कुछ पुराने मामलों में कागजात उपलब्ध नहीं है जबकि कागजात संबंधित व्यक्ति दे चुका है। कुछ समय पहले हमने संबंधित ऑपरेटर को सेवा से पृथक भी किया है लेकिन सेवा से पृथक कर देने से हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। मैंने आप दोनों अधिकारी हमारे बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, मैंने उनसे कहा है कि आप इसको क्रिएट कीजिए फाइल और इन सभी का निराकरण प्रत्येक स्थिति में 10 जनवरी तक चाहिए। 10 जनवरी तक हमने समय दिया है क्योंकि एक बहुत ही गंभीर विषय है कि अगर प्रशासन की बहुत स्पष्ट बहुत हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ भी अगर हम उनको नहीं दे सके तो इससे खराब स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। तो 10 तारीख वॉइस ऑफ MP के लिए देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।